नमस्कार दोस्तों, सोनाली ईटिंग शो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज खाएंगे बासी भात, जो हिंदी में बोलता है, जो रात का जो चावल में पानी डाल के रखता है वो ये, और बंगाल में बोलता है पंता भात, उड़िया में बोलता है पखाला। तो ये खाना जो बॉडी के लिए, दोस्तों अभी जो सीजन है, गर्मी के सीजन है, पेट ठंडा रखता है, बॉडी पूरा ठंडा रखता है, तो यही है। और उसके साथ खाएंगे फ्राई, जो तेलुगु में बोलता है, जो मैं अभी हैदराबाद में हूँ, जो तेलुगु स्टेट दंडकाया, उसके साथ कच्चा मिर्ची और प्याज, साथ ही साथ नमक, नमक तो चाहिए खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों खाना शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल का जो वीडियो आप लोग देखते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ नीचे लाल बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नमक तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि पानी है, पानी भात बोलता है इसको, तो इसको स्वाद अनुसार नमक तो लेना ही है, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेंगे। तो इसे ऐसा करता हूँ, आप भी घर में खा के देखिए दोस्तों कैसा इसका टेस्ट लाग। बीच बीच में पानी पीऊंगा। क्योंकि मिर्ची बहुत तीखा है, हरा मिर्ची। दोस्तों हम गांव के रहने वाला हूँ, तो मुझे यह खाना का खाने की आदत है।
तीखा थोड़ा लगा है मिर्ची, बहुत ही मिर्ची है इसमें, छोटा जो मिर्ची है देसी मिर्ची है। अब इसका स्वाद मैं बता देता हूँ, टेस्ट थोड़ा खट्टा है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि रात का भात पानी में डाल के रख दिया जाता है, सुबह होते होते थोड़ा खट्टा हो जाता है, और खाने के लिए इसीलिए प्याज मिर्ची ताकि और भी टेस्ट या स्वाद बढ़ाए। मुझे लगता है बहुत मिर्ची, क्योंकि तीखा बहुत है इस मिर्ची में। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।